व्हाट आर द 10 साइंस ऑफ लेबर? हम उसको लेबर नहीं कहते, हम उसको मिरेकल मोमेंट कहते हैं। वो मोमेंट जब हम अपने एंजल को अपने आर्म्स में रख के उसको देखेंगे, उसको कितनी ब्लेसिंग्स देंगे। हमने अपने मन में और अपने वूम में तो बहुत टाइम से रखा था, बट आज उसको देखने का मौका मिलेगा। आप जब घर पे होंगे तो ये सब आपको साइंस शुरू होंगे, महसूस होंगे। सो वेरी इम्पोर्टेंटली आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन लाइटनिंग। जैसे ही आपका बेबी लेबर से पहले आने वाला होता है तो आपको 2 to 3 weeks पहले भी एंड समटाइम्स 2 to 3 days पहले भी सडनली लगेगा कि ये एरिया जो बिल्कुल आपके रिब केज का है, इस रिब केज के एरिया से आपको सडनली लाइटेंड फील होगा, हल्कापन आ जाएगा, क्योंकि बेबी अपने हेड को नीचे पेल्विस में सेटल कर लेता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो आप वॉच करिएगा, बट डोंट गेट टू पैरानॉइड अबाउट इट। समटाइम्स पेशेंट्स बार बार पूछते हैं, मैम नीचे गया, उसको पता है उसकी जगह, वो अपने आप चला जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूट्रस का माउथ सर्विक्स होता है, और ये जो सर्विक्स है इसके ग्लैंड्स कुछ डिस्चार्ज सिक्रेट करते हैं और वो एक थिक म्यूकस प्लग बना लेते हैं। म्यूकस का मतलब डिस्चार्ज होता है, और उससे वो माउथ क्लोज्ड भी रहता है और उससे बाहर की इन्फेक्शन अंदर भी नहीं आती है। सो लेबर से पहले कभी कभी थिक सा ब्लड मिक्स डिस्चार्ज है जो डिस्चार्ज हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लेबर, जिसको हम शो कहते हैं। तो इसीलिए ये सेकेंड साइन। थर्ड साइन वेरी इंपॉर्टेंटली, आपको बार बार यूरिन जाने की एक अर्ज होगी, लास्ट मंथ में थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, पर जब हेड आके नीचे सेटल हो जाता है तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एकदम आके उसके ऊपर हेड प्रेशर डालता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बार बार कंट्रोल करना। अब फोर्थ साइन, यूट्रस का माउथ बंद है, उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 3 centimeters से लेके 6 centimeters तक होती है। अब इतनी लेंथ है तो जैसे जैसे हेड नीचे डिसेंड करता है, एक तो वो लेंथ कम होती है, दूसरा वो थिनिंग होती है, जो हमारा फिफ्थ साइन ऑफ लेबर है। अब ये थिनिंग और डायलेटेशन जो होती है सर्विक्स की, यूट्रस के माउथ की, ये आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन ही पता कर सकती है। सो आप जब हॉस्पिटल जाएंगे वो आपको ये बताएंगे। तो ये एक डेफिनेट साइन ऑफ लेबर है। हमारा अब सिक्स्थ, बैकेक बहुत कॉमन है, एक डल सा पेन आपको कमर में रहता है, क्योंकि हमारे सारे जॉइंट्स लूजन होने लगते हैं, और ये डल बैकेक जो है ये लेबर से 4-5 दिन पहले से भी शुरू हो जाता है। थोड़ी बैकेक पूरी प्रेगनेंसी में रहती है, बट इस टाइम पे थोड़ी सी ज्यादा। अब सेवन्थ साइन, सबसे इम्पोर्टेंट, कॉन्ट्रैक्शंस। अब कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो रेगुलर होती हैं, अगर शुरू होती हैं एवरी आवर, देन एवरी हाफ एन आवर, देन समटाइम्स एवरी 30 minutes, देन कमिंग जब वो 5-6 मिनट में आने लगे, दैट इज द टाइम कि मैं कहती हूँ सबको, अब आप हॉस्पिटल आओ। अब यू आर गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्शन एवरी 5 to 8 minutes, दैट इज द टाइम टू कम टू हॉस्पिटल। और तब तक घर में रहें, और घर में भी कई कोपिंग मैकेनिज्म्स हम आपको बताएंगे, आप उसको आराम से यूज करें। और ट्रू लेबर पेन बार बार आएगी, रेगुलर इंटरवल्स पे आएगी, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, इट मे लास्ट फॉर अबाउट 30 seconds to 50 seconds, इवन अ मिनट। जो ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है वो थोड़ी इरेगुलर होती है, दे आर वेरी ओकेजनल, दे आर कमिंग, उसमें टाइटनिंग होती है, पर ट्रू लेबर पेन एक स्टैबिंग पाउंडिंग पेन होती है, और समथिंग जैसे कोई आपको बार बार प्रिक कर रहा है और क्रैम्प आ रहा है, और ब्रैक्सटन एक्स डिसकम्फर्टिंग होती है। तो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी। एट साइन ऑफ लेबर, यू विल फील अ बस्ट ऑफ एनर्जी, जैसे सडनली यू जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू बी सेट, यू वॉन्ट योर बेबीज रूम टू बी सेट, द हाउस टू बी ऑल सेट। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेस्टिंग इंस्टिंक्ट, जो मदर्स में आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो बहुत जबरदस्त एनर्जी की फील लेके आता है। तो ये भी एक साइन ऑफ लेबर है। और एक नाइन्थ, बावल मूवमेंट, बार बार यू वॉन्ट टू गो टू मोशन, बिकॉज जो हॉर्मोन्स आपको कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं वही हॉर्मोन्स आपके इंटेस्टीन को भी थोड़ा मोटाइल कर रहे हैं। एंड लास्ट, टेंथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर वाटर्स में ब्रेक, एंड वो वाटर जनरली क्लियर होता है, या कभी कभी थोड़ा सा येलोइश टिंज होता है, इफ इट इज ग्रीन, इफ इट इज रेड, दैट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी राइट, सो यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। अदरवाइज आप टाइम लें, थोड़ी देर अपने आप को सेट करें, एंड पैनिक नहीं करें, और ये साइंस ऑफ लेबर जैसे ही आए आप हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचे। सो एंजॉय this pregnancy and your miracle moment by getting more knowledgeful.